गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने गीता के उपदेश के अनुसार श्री कृष्ण ने कहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल जो है समय के अनुसार अपने आप मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर लीची के फल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आज से 15 साल पहले लगाए थे, आज फल सामने आपके प्रस्तुत हैं। श्री कृष्ण जीवन के वास्तविक साधारणता को लेते हुए प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं समाज को कि अपना कर्तव्य जो है निष्ठापूर्वक करें, वक्त आने के अनुसार, समय आने के अनुसार, उचित समय पर सब आपको मिलेगा, लेकिन आपके कार्य निष्ठा जो है निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जो आपके सामने प्रस्तुत है, जो मैं अपने निष्ठावान भाव से पौधे को लगाए थे, जो आज फल मिला है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे द्वारा लगाया गया पर्यावरण के संरक्षण में उपस्थित फल सामने है। आए हम सभी मिलकर के प्रकृति को सुंदर और खुशनुमा बनाएं और इसी तरह से फल इसका मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।